आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड सरकार ने शुरू की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। टाटा स्टील के सौजन्य से दुबई से झारखंड पहुंचा 5000 सिलेंडर। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई है। इसमें बच्चों को कोरोना संक्रमण होने का ज्यादा खतरा बताया गया है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सभी अस्पताल में व्यवस्था को दुरुस्त करने का आदेश स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दे दिया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को टाटा स्टील के सौजन्य से 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर दुबई से झारखंड पहुंच गया। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अन्य संसाधनों को भी दुरुस्त करने पर विशेष कार्य योजना के तहत कार्य कर रहे हैं, जिससे तीसरी लहर से भी निपटने में कोई कसर बाकी न रह जाए।